माता माता नहीं, अगर बच्चों को जन्म दे करके उनको भगवत भक्ति का राज्य में नहीं चलाए, फिर वो देवता देवता नहीं जो केवल पूजा ग्रहण करता है, लेकिन पूजा ग्रहण करने वालों को भगवत भक्ति का पथ निर्देश नहीं करता है। इसलिए सही से परम बंधु सही पिता माता श्री कृष्ण चरण जी प्रेम भक्त जाता, वही असली पिता माता जो कृष्ण के चरण में जीवों को प्रेम भक्ति प्रदान करवाते। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य जो बड़े चिंता में पड़े जो कैसे ही जगत को उधार करो, जगत का कल्याण कैसे हो। अद्वैत आचार्य जसदासी में है और कलियुग का जो जुगत है ना कि हरि नाम संकीर्तन बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे और जो आंसुओं को बहा दोगे, अगर ठाकुर जी को कोई प्रदान करना
भगवान को उनका रेडी से मुक्ति पाने के लिए अपना सर उजला लग जाते हैं। इनके रेडी से हम कैसे मुक्ति पाएंगे? इसलिए उन्हें ये दो चीज को लेकर उन्होंने भगवान के आभार की। कहीं तुलसी क्या है, बोले वृंदा आई तुलसी दल गई, प्रिया आई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रगदेई सत्य बचाई नम नम। ये तुलसी ये साधन चीज नहीं, ये भगवत प्रेम को, ये तुलसी भगवत प्रेम को दान करने वाले ये तुलसी है। हैं ये तुलसी साधारण नहीं, भगवान पूरा तुलसी में भगवान दिख जाते हैं। कभी कृष्णा जब सूर्य ग्रहण हुआ था वहां पर सारे तो सारे व्यक्ति वहां पर पहुंच गए थे, ब्रजवासी भी पहुंचे हुए थे और वहां पर द्वारकावासी सब के सब पहुंचे हुए थे, नारद भी पहुंचे हुए थे। वहां पर नियम है, वहां पर स्नान करने के बाद साधु संतों को दान देनी चाहिए। वहां पर नारद जी गए, रुक्मिणी सत्या भगवान को बोले देखो इस स्नान के बाद में जब तक साधु गुरु वैष्णव को दान नहीं देते ना तो स्नान करने का फल नहीं मिलता है। और कौन सा चीज दान देनी चाहिए? ऐसे जो बढ़िया चीज दान दे दो, सबसे जो बढ़िया चीज दान देनी चाहिए। रुक्मिणी सत्या भगवान इनको बोले भैया सबसे बढ़िया चीज दान दो किसको? बोले नारद, इनसे बड़े साधु कौन है? बोले हम तो सबसे हमारा बढ़िया चीज है, हम सबसे ज्यादा कृष्ण को हम प्रेम करते हैं, हम कृष्ण को हम दान देंगे। तो उन्हें संकल्प करके नारद जी को उन्हें कृष्ण को दान दे दिया। कृष्ण ने कहा देखो अभी मेरा चेला बन गया, अभी चेला हम तो साधु है, लोटा सोटा लगोटा अभी मेरा चेला लगनिया इन्होंने दान दिया, चलो हमारे साथ में भी लगोटी और पहनो और चोटी रखो, चलो हमारे साथ में साधु रह करके हरि बोल बोलते चलो हमारे साथ में। मेरा चेला दान दे दिया। रुक्मिणी सत्य वाला कैसे, कृष्ण हमारा प्राण है, अब कृष्ण को ले जाएगी तो हम क्या करें? बल्कि उन्हें दान दिया ना, इतना भी अपना चेला मिल गया, हम तो इसको संन्यास बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम देखकर दान कैसे करेंगे? तो देखो अगर अपना इसको वापस लेना चाहते हैं एक काम करो, इनके भोजन की सोना हमें दे दो। बल हम ये काम कर सकते हैं, तराजू मंगाए, तराजू का एक तरफ में कृष्ण को बैठा दिया और तराजू के दूसरे तरफ में पहले लोग सर से लेकर के प्यास से लेकर सर तक एकदम सोने हीरे जवाहरात से श्रृंगार कर दिया। इतने में रुक्मिणी ने उसने क्या कि सारे उसने श्रृंगार को सोने हीरे जवाहरात उतार करके तराजू के दूसरे तरफ में रख दिए। लेकिन भगवान के बराबर बड़ी कुछ कर सकते हैं, ठाकुर जी के बराबर बड़ी कुछ होगा, लेकिन जरा टस से बस भी नहीं हुई। रुक्मिणी तो सिद्धम कर दिए, अभी क्या होगा? इतने में उन्होंने दूसरे रानी को प्रति सत्यभामा दी, उनको तरफ में देखा सत्यभामा समझ गई हैं ये इससे कोई नहीं पड़ा। इतने में सत्यभामा भी सारे श्रृंगार उतार करके तराजू के दूसरे तरफ में रख दी। लेकिन कृष्णा टस से बस नहीं हुई हैं, इतने उन्होंने काल जी की तरफ पेशा की, काल जी समझ गए वो भी सारे श्रृंगार उतार करके वहां रख दिए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, उन्होंने मित्र विद्या की तरफ पे ध्यान दी, उसने भी सारे श्रृंगार उतार दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने नागुल जी की तरफ भी इशारा की, उसने भी सारे श्रृंगार उतार रख दिए लेकिन टस से बस नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा भैया करता हूँ चले तो अपना चले को लेकर जा रहा हूँ, तुम लोग इसके बराबर तुमने दान नहीं किया, अभी क्या किया जाए? बोले एक काम करो, हमने सुना से राधा रानी की लड़ाई, राधा रानी को बुला। राधा रानी को जब बुलाए बोले इतने सोने दाने को उतार रहे हैं, एक तुलसी पता लिया, अब तुलसी पत्ते के ऊपर ने कृष्ण का नाम को आंखों को आंसुओं को भरा। ये तो भगवान की बराबर जगत में क्या हो सकता है? भगवान है केवल प्रेम की भूखे है, भगवान को और किसी को द्वारा भगवान को हम जीत नहीं सकते। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान केवल प्रेम को द्वारा ही काबू की वशीभूत होते हैं। पर सब चीज को निकाल करके तुलसी पत्ता लाओ और अपना आंखों का आंसुओं को द्वारा
उसको परमेश्वर कृष्ण नाम लिखो लिख करके और दूसरे तराज पर रख दिया। जब दूसरे तराज पर रखा ना, वो कृष्ण जो तब जन्मे हुए थे इतने में कृष्ण का जो पल्ला हल्का होकर ऊपर हो गया और जो तुलसी पता जो कृष्ण नाम था वो एकदम नीचा हो गया। अरे सारा दुनिया देख कर बोले बाबा रे श्री तुलसी देवी की, श्री कृष्ण नाम की, बोले हरे कृष्ण Yeah.
जा रहा था कृष्ण,
एक ज्योतिर्दिखा विना राधा माधव स्वरूप, जो राधा वही कृष्णा, जो कृष्णा वही राधा है। इसीलिए दिखा भवे तभी उन्हें दो हुए जब उन्हें लीला स्वादन करने के लिए चाहे, तो फिर एक स्वरूप में को बोलते और एक स्वरूप में वो सचिनंदन श्री गौर हरि रूप में श्री महाप्रभु थे। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती, इसलिए उनका नाम चैतन्य है और सृष्टि से पहले एक चेतनता रूप में थे, वो दो करके श्री राधा कृष्ण रूप में धारण किए, इसलिए उनका नाम एक चैतन्य है। दूसरा नाम है उनका श्री नाम गौर हरि। बोले गौर हरि नाम क्यों पड़ा? बोले कारण है गौर श्री राधा रानी हरि कृष्ण है, इसलिए कहते ये गौर हरि मतलब राधा कृष्ण दोनों मिल करके एक स्वरूप है, इसलिए उनका नाम गौर हरि है। कहते इनका नाम विश्वंभर भी है। बोले विश्वंभर नाम क्यों पड़ा? जिन्होंने विश्व ब्रह्मांड को अपना प्रेम को द्वारा जिसने ये विश्व ब्रह्मांड को जितने भरणों को सृष्टि की, इसलिए इनका नाम विश्वंभर नाम हुआ। इनका नाम पड़ा निमाय भी नाम पड़ा। बोले निमाय क्यों नाम पड़ा? बोले डरे नाम की लिमाय। महाप्रभु जन्म होने से पहले उनके आठ कन्या उन्होंने पहले मर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने बोले देखो कोई कहते ना कोई बढ़िया नाम रखो, बढ़िया नाम रखना इसलिए जब उनको पकड़ के ले जाते एकदम कड़वा नाम रखो हाँ, इसलिए जब उसको पिएगा नहीं, इसलिए उन्होंने नाम क्या रख दिया? निमाई। नीम पता कितना मीठा लगता है, नीम पता खाए कि नहीं कितने मीठी लगती है, इसलिए डरे नाम फिर निमाई। और नीम वृक्ष को लेते हुए तब शंकर जी उनकी सारी कथा पार्वती को सुनाए हैं, सारी कथा उन्हें सुनाए, इनका नाम अलग अलग नाम उन्होंने क्यों पढ़ा। तब श्री शंकर जी श्री नवद्वीप धाम की महिमा को शंकर जी पार्वती को सुनाते हैं। तो एक समय श्री अनंत देव गए महाविष्णु के पास में, बोले महाविष्णु जी आपका आशीर्वाद से हमने सारे तीर्थ हमने भ्रमण किए, लेकिन अभी तक मैंने एक तीर्थ हमने नहीं जा पाए, एक धाम नहीं, बोले कहाँ पर नहीं जा पाए? केवल श्री वृंदावन धाम अभी तक मैं नहीं जा पाए। मेरे मन में इच्छा थी वृंदावन धाम जाने का, जब बोले तो महाविष्णु कहते बोले वृंदावन वृंदावन इतना आसान नहीं, तुम्हारी बात छोड़ दो। महाविष्णु कहते हैं भैया मैं भी अब तक वो वृंदावन धाम में नहीं जा पाया, कारण दशाई गर्भो दशाई हिराप दशाई ये लोग भी अभी वृंदावन धाम में नहीं पहुंच पाए, यहाँ तक भी लक्ष्मी कठोर तपस्या कर रही है बाहर बैठी गई, ब्रह्मा तो पत्थर बैठ करके पड़े हुए हैं, और श्री उद्धव जी वहां पर गुलमलता बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं उद्धव जी, इसलिए नारद जी भी कठोर तपस्या करते हैं, इतने आसान नहीं तो वृंदावन आना चाहते हो। वो महाविष्णु कहते हैं जैसे एक व्यक्ति कुत्ते का पूंछ पकड़ करके समुद्र को पार होना चाहता है, तो ये क्या संभव है? तो उसी तरह जो वृंदावन धाम है ये कोई साधारण धाम नहीं। शंकर जी कहते हैं पार्वती वृंदावन में जो सरोवर है जो तालाब है वो तो साधारण नहीं, जैसे वहां पर प्रेम सरोवर है, राधा कृष्ण प्रेम में द्रवीभूत होकर के ये प्रेम सरोवर बने, मान सरोवर राधा रानी कृष्ण प्रेम में मान करके उनको आंखों का आंसुओं से मान सरोवर बनी, राधा कुंड श्याम कुंड ये स्वयं राधा कृष्ण ही ये कुंड रूप धारण किए हैं, हम मानस गंगा कृष्ण मन से स्वयं गंगा को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए वहां सरोवर कोई सरोवर नहीं। और वहां पर यमुना ये कौन है? चिदानंद भाव सदा नंद सुनो परम प्रेम गात्री लगा नाम अवैधी, ये यमुना नहीं। बोले राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के वो पानी रूप में बहती है, कहती ये श्री यमुना पटरानी।
यदि गिरिराज जोगर खनिया तो जमुना तो राधा कृष्ण का प्रेम ही रंग होकर के बह रही है। यदि ये गिरिराज जोगर खनिया तो राधा कृष्ण का प्रेम जब एक जगह में जम जाती है ना तभी ये श्री गिरिराज गोवर्धन है। श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए वृंदावन में नंदीश्वर महादेव स्वयं शंकर जी पर्वत बने, वहां पर सतीगिरी पर्वत, फिर ललिता विशाखा चंपकलता जितने सखियां है ना ये सब पर्वत बन कर बैठी हुई। गिरिराज गोवर्धन साक्षात विष्णु कृष्ण है। बोले देखो अनंत देव वृंदावन के वहां पर साधारण कोई पेड़ पौधा नहीं, जितने पेड़ हैं बड़े बड़े ऋषि लोग जैसे औषध वृक्ष बनने के लिए ये प्रार्थना करते हैं। भैया ये वृंदावन धाम जाना कोई साधारण बात नहीं, वृंदावन धाम में जाओगे। खैर प्रश्न किया, खैर तो हम वृंदावन जा ही सकते हैं। फिर शंकर जी कहते हैं, महाविष्णु कहते हैं एक उपाय। बोले क्या उपाय है? बोले जब तो कोई गोपियों की अनुगत नहीं करना तब तक ही वृंदावन धाम में कोई प्रवेश नहीं कर सकते बगैर गोपियों की अनुगत के बगैर। लेकिन महाविष्णु कहते हैं वो भी बड़ा कठिन चीज है। गोपियों की अनुगत तो आप लोग सुने होंगे, इन गोपियों की अनुगत प्राप्त करने के लिए सुश्रुतियां कठोर तपस्या करती हैं। गोपी भाव को पाने के लिए श्रुतियों ने जब आराधना करी कठोर तपस्या कृष्ण की, कृष्ण दर्शन दिए। बोले क्या बात है? बोले प्रभु हम गोपियां जैसे प्रेम करती हैं हम ये प्रेम चाहते। बोले नहीं ये चीज मैं नहीं दे सकता, और कोई चीज मांगो। बोले नहीं पाना चाहिए तो हम कोई चीज चाहते हैं। बोले ठीक है तुम लोग प्राप्त करो। हाँ जगह कारण ऋषि लोग इतने कठोर तपस्या की है। जनक के जो वहां पर कुमारियां कितने कितने इन लोगों ने ब्रज में गोपी भाव को पाने के लिए पता नहीं कितने कितने कठोर तपस्या की। अरे भैया उनके भाव भी बड़े बड़े व्यक्तियों के लिए ज्ञानी ज्ञानी इन्हीं के लिए भी गोपी भाव प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसको प्राप्त करना फिर प्रश्न किया, फिर तो हम गोपियों की अनुगत कर नहीं सकते। फिर उनकी भाव तो बड़ा दुर्लभ है, हम ब्रज में प्रवेश नहीं पा सकते। महाविष्णु कहते हैं सबसे एक सरल उपाय है। एक सबसे सरल उपाय जो सरल उपाय क्या है? बोले वही ब्रज प्रेम को देने के लिए ब्रह्मा का एक दिन में एक बार श्री सच्चिदानंद गौर हरि श्री नवद्वीप धाम में प्रकट होकर के वो प्रेम को देने के लिए प्रकट होते हैं। और वो प्रेम को वो किस रूप में देते हैं? आप लोग ने बड़े दिन से सब भक्तों के मुखारविंद से आप लोग श्रवण कर देते हैं जिसको प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं। बोले एवं गौरक बिना नहियार है नवतार अबे की वे छे है न प्रेम पर चार दुरमती अति पतित पासंगी प्राणे न मारिल करे हरि नाम दिया हृदय सोधिल जाति किया घरे घरे हे मान गौरंग बिना नहीं यार। इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं हे मान गौरंग बिना नहीं यार। श्री महाप्रभु जैसे अवतार, इसलिए कहते अवतार सार गोरा अवतार के ना भजिली तारे। अवतार सार गोरा अवतार, जितने अवतार में महाप्रभु का जो अवतार है सार अवतार सबके श्रेष्ठ अवतार है। इसलिए बोले चैतन्य चंद्र हृदया कर विचार विचार कर ले चित्ते पावे चमत्कार। जब महाप्रभु दया की बात हम सोचेंगे ना हृदय में बड़ा चमत्कार मिलेगा, बड़ा चमत्कृत होगा। क्यों? बोले भव विरिंचिर वांछित जे प्रेम जगते फैले लठाई ताताल पाया खाई लठाई
इतने बड़ी बात कह रहे हैं, बोले ब्रह्मा दिनीचिर गाचित जपरे, ब्रह्मा जिस प्रेम को पाने के लिए पत्थर रूप में प्राप्त जन्म लेते हैं, इसलिए जिस प्रेम को पाने के लिए शंकर जी गोपी भी बनते हैं, जिस प्रेम को पाने के लिए उद्धव गुरु को लता औषधि बन करके और श्री लक्ष्मी जी से प्रेम के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अभी भी लक्ष्मी बैठे तपस्या कर रही, अभी भी प्राप्त नहीं करता, लेकिन वो प्रेम को महाप्रभु कैसे दिया, जगत थलीला ढाली ढाली समझते हो, उन्होंने कुढ़ाल दिया है अगर एक एक व्यक्ति को कहीं दोना है, एक एक व्यक्ति समय लगेगा इसको पास में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसमें कहते हैं आप घर करो या सिंधु काटिया अगर उसको बीच में काट दो तो क्या होगा, इतने तेजी से पानी आएगी बाढ़ आएगी सामने जो आगे पड़ेगा ना उनको तो बाहर ले जाएगा, इसलिए उन्होंने इतने ऐसे काट दिए, बोले घरे घरे बोले प्रेम अमियार बार, उदाहरण देते हैं ये प्रेम घर घर में अमिया मतलब उसे अमृत बार मतलब होता है बार, तो किस चीज की बार, मतलब अमृत की प्रेम की बार, उन्होंने सबको जहाँ पर पड़ुआ नास्तिक वो कुछ भाग गए थे, वो प्रेम से वंचित होकर जो भाग गए थे नास्तिक पड़ुआ हिंदु, फिर महाप्रभु फिर संन्यास लिए, संन्यास लेकर के महाप्रभु फिर घर घर में जाते हैं और जाकर उससे भगवान का कृष्ण नाम जो उन्होंने भिक्षा मांगते हैं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं हमारे किनिया ल बोलो गौर हरि, नित्यानंद प्रभु कहते हैं केवल एक बार श्री सचिदानंद गौर हरि का नाम ले लो, बस श्री सचिदानंद गौर हरि की और हमारे किनिया ल फिर हमारे पास दीन जाकर हमारे पास इतने, इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं दयाल नीताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, नाचे अमर मन, नाचे अमर मन, ए मन दयाल तो नहीं मार के प्रेम से अपराध दूर जावे पावे, प्रेम धर दयाल नीताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, इसलिए बड़ा नाम महाप्रभु का नाम लेकर नाच रहे हैं, इसलिए श्री महाविष्णु कहते हैं हे शंकर सन हे अनंत देव सबसे सरल उपाय है नव दिन चले जाओ, कहा चले जाओ नव दिन धाम में जाओ, अगर कोई गुरु वैष्णव की आनुगत्य में एक बार श्री नव दिन धाम में चले जाए और उनकी ये नव दिन धाम की परिक्रमा कर ले हैं, क्योंकि नव दिन धाम नहीं ये राधा रानी अपना हृदय से ये नव कुंज बनाया, राधा रानी जैसे दयालु उसी तरह श्री महाप्रभु ये धाम की अभिन्न स्वरूप है, इसलिए अगर कोई नव दिन धाम में अगर कोई परिक्रमा करेगा तो और वहाँ के लीला स्थलियों में जाए वहाँ पर कथा सुने वहाँ का धूल को अपना शरीर में लगाए तो बस क्या होगा आसानी से ही वो वृंदावन धाम में राधा कृष्ण की जुगल की सेवा की अधिकार हो जाएगा, इसलिए दादा ठाकुर कहते हैं गौरव प्रेम रसाल नवे सतरंगे जेवा डूबे से राधा माधव अंत रंग, इसलिए गुरु जी कहते हैं कहां पर डूबो निर्दया घाट में गंगा में निकलो के कहां पर कैसी घाट में, मतलब महाप्रभु का प्रेम में डूबते लगाओगे ना तो दास्य रस से उपासना कराओगे तो अपने आप तुम श्रृंगार रस में राधा कृष्ण के प्रेम रस में अपने आप तुम निकल जाओ, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि हम सब से सबसे नव दिन धाम परिक्रमा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की जय।
बोलने से हमें बड़ा है।